देश आज हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं 75वें वर्ष की आजादी के इस उपलक्ष्य में। आज भारत के 75 स्थानों पर आइकॉनिक स्थान, उसमें हरिद्वार अपने आप में पूरे विश्व में प्रख्यात विख्यात एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है, जहाँ पर से हम योग विद्या का भी संचालन करते हैं। आज योग पूरे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था, तो मुझे खुशी है कि दुनिया में कभी भारत के झंडे को विवेकानंद ने फहराने का काम किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए प्राचीन भारत की प्राचीन विद्या योग विद्या को विश्व गुरु के रास्ते पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देशों में 177 देशों ने मनाने का काम किया। वो देश जो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, एक देश को छोड़ कर के जो मेरे पड़ोसी हैं, और देश के अंदर जिन लोगों ने भी इसका शुरुआती विरोध करने का काम किया था, आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। योग एक तरफ से आध्यात्मिक बल भी देता, जिसे आपने कहा कि शिव से लेकर के पतंजलि तक योग को यहाँ तक लाने का काम किया है, लेकिन योग आध्यात्मिक शांति, पूरे विश्व को एक शांति का संदेश भी देता। कोरोना काल में योग पूरे दुनिया को एक करने का काम किया, और योग केवल एक करने का काम नहीं किया बल्कि शांति का संदेश भी दिया, और शांति के संदेश के साथ योग एक रोजगार के भी अवसर पैदा किए। भारत के आज लाखों लाख युवक, करोड़ों युवक देश और दुनिया में योग के माध्यम से योग का संदेश भी फैला रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक आकलन है कि अभी लगभग 27 से 30 बिलियन डॉलर का ये योग इंडस्ट्री हो गया है। और आज मुझे खुशी है कि भारत के अंदर और पूरे विश्व आज योग दिवस में योग करने का काम किया, और ये प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है। मैंने पहले ही कहा, भारत के योग गुरु के रूप में अब पहले से ही विख्यात रहा है भारत। पूरी दुनिया में पतंजलि का योग और महादेव शिव, आज मोदी उसको जन जन तक विश्व में फैलाने का।